इंदौर के स्नेहनगर क्षेत्र में श्री अग्रसेन भवन में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लाभ लिया। कार्यक्रम संयोजक अरविंद बागड़ी ने दी जानकारी। वैश्य समाज के संस्थापक और श्री अग्रवाल समाज के प्रमुख रमेश चंद्र अग्रवाल के पुण्य स्मरण के अवसर पर आज इंदौर के स्नेहनगर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आज रखा गया। कार्यक्रम के संयोजक अरविंद बागड़ी ने बताया कि बीते 6 वर्षों से हर वर्ष 12 अप्रैल को निरंतर सेवा कार्य का ये सिलसिला जारी है, जहाँ आज स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में पीड़ित लोगों ने चिकित्सकों के समक्ष पहुंचकर अपनी तकलीफ बताई और उपचार करवाया। कार्यक्रम संयोजक की माने तो इस स्वास्थ्य शिविर में 30 से अधिक बीमारियों की जांच सलाह निशुल्क दी गई। वहीं सर्व समाज के लिए शिविर आयोजित किया। इस स्वास्थ्य शिविर में सेल्बी ग्रुप के कई जाने माने चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। वहीं स्वास्थ्य शिविर को लेकर कई दिनों से विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। आयोजन के दौरान बावड़ी हादसे में अमृत आत्माओं को श्रद्धांजलि भी दी गई। रोल है। सर, ये आज श्रद्धांजलि प्रोग्राम स्वरूप यहाँ पर शिविर लगाया गया है, क्या आयोजन है, किस तरह? ये 6ठा वर्ष है। लगातार हम 6 वर्षों से आदरणीय हमारे वैश्य समाज, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज के संस्थापक और अग्रवाल समाज के प्रमुख संरक्षक रमेश अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति पे 12 अप्रैल को प्रतिवर्ष 6 वर्ष से हम एक स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, जिसमें 500 से अधिक पेशेंटों को इसका लाभ करीबन मिलता है। सभी तरीके की जांचें यहाँ निःशुल्क की जाती है और भी लोगों को बताया जाता है कि ये सारे देश के नामचीन टॉप डॉक्टर जो शेल्बी ग्रुप के हैं, उन्होंने अपने भेजे हैं। कुछ डॉक्टर अहमदाबाद से भी हमारे लिए आए हैं। ऐसे डॉक्टर जो हज़ारों रुपए फीस में भी हमको उपलब्ध नहीं होते हैं, आज के दिन जो हमारा शिविर होता है इसमें वो पूरी तरीके से निःशुल्क सारे लोग रहते हैं और करीबन 30 से अधिक बीमारियों की जाँच, उनके बारे में सलाह देने का काम यहाँ पर बड़े डॉक्टरों के द्वारा निःशुल्क किया जाता है। सर, इसमें अग्रवाल समाज के लोग ही इसका लाभ लेते हैं या सभी लोग? नहीं, ये सर्व समाज के लिए है। बड़ा हमारे जितने विज्ञापन न्यूज है सब में आप यहाँ पे भी देखिए, ये बल्कि उल्टा कहेंगे कि अग्रवाल तो इसमें 2-4% हो गए, बाकी पूरे शहर की गरीब बस्तियों में हमारे द्वारा ऑटो रिक्शा से इसका विज्ञापन कराया जाता है, पर्चे बांटे जाते हैं, रेडियो पे भी इसका प्रचार चल रहा है। ये पूरे शहर के आम जनता के लिए और हमारी पूरी कोशिश है कि समाज में अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको इन सब चीज़ों का लाभ मिले। इन शिविरों के अंदर कुछ मरीज जो चयनित होंगे उनका बाद में भी हम बीमारियों के अंदर इलाज कराने में उनको मदद करेंगे। सर, रमेश चंद जी के बारे में क्या कहें?